हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर उठाएंगे जो कि नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो अब तक हमने जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एडवांस मैथ के, वो आपके एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादातर डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाले पहले वो देखते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो हम लाइन और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सेकेंड नंबर पर हम इसको पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें त्रिभुज क्या होती है आपकी, त्रिभुज। ठीक है, थर्ड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल में जो साइन रूल और साइन और कोसाइन रूल लगते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट में बताया था कि ट्रायंगल में भी अलग अलग ट्रायंगल में साइन और कोस के रूल लगते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसमें क्या होता है कि दो ट्रायंगल होते हैं उसकी सिमिलरिटीज देखी जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम, जिसके ऊपर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आज के टाइम। इसके साथ साथ बीपीटी भी, इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें हम पढ़ने वाले मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले इसमें हम ट्रायंगल के जितने भी सेंटर हैं, मतलब सभी सेंटर पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं आपके सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपका आ चुका है सरकम सेंटर, सेंटर ऑफ ट्रायंगल में। लेकिन सरकम सेंटर जो है वो कुछ अलग तरीके से बनता है, तो उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप आपके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के आते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, और आई थिंक ट्रायंगल के बारे में इतना ही बेसिक पॉइंट होते हैं जो एसएससी वगैरह पूछते रहते हैं। तो ये सात आठ सात पॉइंट हैं ट्रायंगल के बारे में, तो हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री में और हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो ज्योमेट्री में और हम पढ़ने वाले हैं आगे कि आपके पैरेललोग्राम ग्राम। ठीक है, या फिर इसी के ऊपर हम पढ़ सकते हैं रेक्टेंगल्स, या फिर आप कह सकते हो रेक्टेंगल के साथ साथ पैरेललोग्राम भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसके साथ साथ रोम्बस और स्क्वेयर होते हैं उसको पढ़ेंगे, रोम्बस और स्क्वेयर, क्योंकि इनमें क्या होते हैं ट्रेंगल बनती रहती हैं। इसके साथ साथ हम ट्रेपीजियम भी पढ़ने वाले हैं, ट्रेपीजियम भी। ठीक है, और कुछ सर्कल्स के पॉइंट भी पढ़ेंगे, सर्कल्स के क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या इसमें है। ठीक है, सीकेंट रूल, टेंजेंट रूल वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं इसी जियोमेट्री में। ठीक है, तो जियोमेट्री में ज्यादातर क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, मतलब आपके अगर सीजीएल सीएचएसएल लेवल की बात करें तो तीन से लेकर चार पांच क्वेश्चन आ जाते हैं आपके प्री में। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने क्या देखा था, ज्योमेट्री में आपने सबसे पहले पढ़ा था, देखो किसी चीज, किसी फिगर को समझने के लिए हमें उसका बेसिक पॉइंट पता होना जरूरी है। और वो बेसिक क्या होता है कि किसी चीज डायग्राम का बनना। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनते हैं, हम बनाते हैं अपनी लाइन से, एक लाइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक लाइन है, राइट। ठीक है, तो इस पर हमें क्या चाहिए, एक एंगल चाहिए, एक एंगल चाहिए। और वो एंगल हम कैसे डिनोट करेंगे, ये कोई लाइन है ए बी, इस पर हमें एक एंगल चाहिए। और एंगल क्या होता है, कौन कि किसी दूसरी लाइन को उस लाइन से झुकाव होना, झुकाव होना या फिर ऊपर नीचे होना। ठीक है, तो इस लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये एक दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, और इस पॉइंट पर जो ये झुका हुआ है,
रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में जो डिफरेंस दिखा रहा है एक पॉइंट से लेकर, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि कोई लाइन कैसे टर्न हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, राइट। अब एंगल में भी क्या है, एंगल में भी ट्रायंगल को समझने से पहले एंगल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये तो हमने एंगल के बारे में पता कर लिया कि एंगल क्या क्या है, तो इसमें हम पढ़ लेते हैं एक बार टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, टाइप ऑफ एंगल्स, तो आपको पता होगा टाइप ऑफ एंगल कितने हैं। मेन तो आपके तीन होते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण, राइट। और ये न्यून कोण क्या होता है कि जो भी एंगल आपको बनाया जाता है, जो भी एंगल आपको बनाया जाता है वो क्या होगा, वो आपका होगा जीरो, जीरो से तो बड़ा होगा। ठीक है, थीटा, अगर ये थीटा जीरो से बड़ा हो जाए और 90 से कम हो जाए तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, राइट। सेकंड नंबर पर जो एंगल होता है आपका, वो आपका होता है राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं समकोण, जो क्या देता है आपका, ये डायग्राम है, यहां पर ये थीटा होगा, ये थीटा क्या देगा वैल्यू, कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री के ऊपर। ठीक है, राइट। नेक्स्ट एंगल आपका हो जाएगा कौन सा, नेक्स्ट एंगल हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सॉरी भाई इसका हिंदी का मतलब नहीं पता, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो आपको क्या होता है, ये जैसे कि ये दो लाइन है आपकी और इस पॉइंट पर आपका एंगल है थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू होने वाली, थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 से तो बड़ी होगी, 90 डिग्री से तो बड़ी होगी, लेकिन छोटी किससे होगी, 180 डिग्री से। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पता लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन, नेक्स्ट जो एंगल हम जानेंगे वो आपका कौन से हो गई, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हैं या 180 डिग्री बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे, तो इससे अगला कौन लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल लिखते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होता है, जैसे इसको पर बार बार क्वेश्चन देखती, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल को हम क्या बोलते हैं, वृत्त कोण, वृत्त कोण। ओके, तो ये कैसा होगा एंगल आपका, ये कोई बेस आपका और इस तरफ आपका झुकाव हो जाता है, ठीक है, इस तरफ आपका झुकाव हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये कोई थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, और थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके क्या देगा, 180 से तो बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन आपका 360 से कम होगी। ठीक है, 180 से लेकर 360 तक ये एंगल होगा, राइट, रिफ्लेक्स कोण। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लिखते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, जो कंप्लीट कोण बना दे, तो ये कोई लाइन है और इसी पे ये क्या लाइन होगी, ये पूरी पूरी टर्न करके यहाँ पर आ गई। ठीक है, मतलब कंप्लीट सर्कल बना दिया और इसको हम थीटा बोलते हैं, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगी, 360 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे आपको पॉइंट समझ आए होंगे, कि वो ये पॉइंट होते हैं जो आपको ट्रायंगल के बारे में बताएगा। ठीक है, और उनके क्वेश्चंस को समझने में आपको आसानी रहेगी, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पांचों पॉइंट, पांचों एंगल्स आपको पता लग गया होगा कि लैंग्वेज किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एसएससी में। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं,
तो ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि आपका एंगल बाइसेक्टर वो और होता है। क्वेश्चन पूछता रहता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या चीज़ होती है, तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर को हम हिंदी में, ठीक है। और ये कैसे डिनोट करते हैं हम इसको, ये कोई आपका एक एंगल बना लेते हैं यहाँ पर, ये एक हमने एक लाइन ले ली, ठीक है, राइट, ये हमने एक लाइन ले ली और इस पर कोई एंगल बना लेते हैं, ये हमने एक एंगल बना लिया, ये 180 डिग्री की लाइन है और यहाँ पर हमने एक एंगल बना लिया, ठीक है, जो कि कितने का है, समथिंग कितने का भी हो, ठीक है। लेकिन एंगल बाइसेक्ट क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर इस दोनों, मतलब यहाँ पर पॉइंट रखोगे, राइट, और यहाँ पर पॉइंट रखोगे और एक प्रकार की मदद से आप दोनों लाइनों को कहीं ना कहीं क्रॉस करोगे, ठीक है, राइट, क्रॉस करोगे, ओके। और इस पॉइंट से लेकर ये जो पॉइंट जाएगा ये आपका क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट में होंगे, ठीक है, जिसे हम थीटा भी बोल सकते हैं। और इस अगर ये नीचे वाला थीटा तो ऊपर वाला भी कितना होगा, थीटा, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, पूरा एंगल हमने 2 थीटा माना था, ठीक है, और थीटा को हाफ ऑफ कर दिया तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर कर दिया, ठीक है। तो इस तरफ जो हमने एंगल बाइसेक्टर किया है वो आपका क्या बनाएगा, ये आपका ये जो लाइन ब्लू वाली लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, जो आपकी ब्लू लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आंतरिक आंतरिक समद्विभाजक, ठीक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक, ठीक है, आंतरिक कोण, बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक और एंगल का मतलब कोण हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। अब अगर ये एंगल यहां पर होता, अगर ये एंगल जो हो गया वो एक्सटर्नल एंगल हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हो कि चलो कोई बात, ये आपका एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। अब यहां से जो लाइन डिनोट होगी, सेम काम आपको यहाँ एज इट इज करना है कि एक प्रकार की हेल्प से कहीं क्रॉस कर लेना है, ठीक, ये क्रॉस कर दिया, ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा, इधर मैं एंगल मान लेता हूँ 2 अल्फा बीटा समथिंग, अल्फा ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल जो होगा वो अल्फा होगा, ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है, राइट, समझ गए होगे आप सभी। तो ये एंगल अल्फा अल्फा जो होगा वो आपकी किस लाइन को डिनोट करेगा, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ब्लू वाली लाइन किसको डिनोट करेगी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर मैंने एंगल बाइसेक्टर के भी दो रूप बता दिए हैं। तो एक्सटर्नल को हम क्या बोलते हैं, बाह्य बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि इस पे ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी जो है वो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछती रहती है, ठीक है।
इसी में मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ कि इसी से रिलेटेड क्या पॉइंट हो गए। एक बार ये दोनों एंगल हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है, राइट। इसी में हम क्या बात करेंगे, तो मैं ये आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सी प्रॉपर्टी यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्या है कि हमने इतना काम कर लिया, तो अब मैं इन क्या करूँगा, इन चारों एंगलों को जोड़ दूंगा, ठीक है। इन चारों एंगलों को यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आएगा, वो क्या है, इन चारों एंगलों को जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अब आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 डिग्री का, राइट। ओके, तो यहाँ से 2 अल्फा प्लस 2 थीटा कितने डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री का बनाएगा। तो 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस थीटा 180। आगे सोल्व करोगे तो 2 से हम कट कर देंगे अपन 90, तो अल्फा प्लस थीटा कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, आप चेक करोगे कि इस अल्फा को और इस थीटा को मैं अगर सम कर दूं तो ये दोनों कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। कैसे, जो ये रिजल्ट आपको बताएगा, शो कराएगा, वो क्या होगा कि आपका जो अल्फा और थीटा है, और अल्फा आपने क्या माना था, एंगल बायसेक्टर, एंगल सॉरी एक्सटर्नल बायसेक्टर, एक्सटर्नल डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस में इंटरनल बायसेक्टर, इंटरनल डिवाइड बाय 2, क्या बना देगा, दोनों मिलकर 90 डिग्री का बना देगा। इस पर जो है एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है। ये जो रिजल्ट होते हैं वो आपके टाइम बचाने के लिए होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, मतलब इस ब्लू लाइन से लेकर इस ब्लू लाइन तक पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको निकल कर आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एंगल बाइसेक्टर आप जरूर समझे होंगे, राइट। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या, तो एक बार मैं आपको एक्सटर्नल एंगल के बारे में और बता देता हूँ यहाँ पर ही। एक्सटर्नल एंगल वैसे आप समझ गए होंगे कि कोई लाइन होती है यहाँ पर, ये कोई एंगल होता है थीटा, ठीक है, थीटा, ठीक है। और एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो आपका क्या होता है, 180 डिग्री के दूसरी साइड, ये आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये 180 माइनस थीटा ये आपका क्या कहलाएगा, 180 माइनस थीटा ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल एंड सॉरी एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा, ठीक है भाई। ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आया होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हम ट्रायंगल में ज़्यादातर यूज करेंगे, ठीक है। इसी के बेस पर आपके सारे के सारे डायग्राम भी बनेंगे कि आपके कौन सा एंगल किस टाइम यूज किया था, राइट। तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रायंगल का टॉपिक, आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बस ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक सी बातें जानेंगे। ये आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। और ट्रायंगल को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, त्रिभुज। क्यों, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन साइड, ठीक है। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीन साइड, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसी डायग्राम से आपको सब कुछ समझा सकूं, राइट। तो मान लेते हैं कोई त्रिभुज आपके पास क्या है, ए बी सी, ठीक है। और ये आपके क्या है, तीन साइड है, राइट। तीन साइड कौन कौन सी है, थ्री साइड, थ्री साइड्स आपकी हो जाएगी, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। इसमें आपको और क्या देखने मिलेगा, थ्री थ्री वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन कौन से, ए बी सी। वर्टेक्स को क्या होते हैं, शीर्ष को, वर्टेक्स क्या होते हैं, सॉरी शीर्ष पॉइंट्स, जो कि बिल्कुल ये पॉइंट जो होते हैं ये आपके वर्टेक्स होते हैं, राइट।
और इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम तीन एंगल और देखेंगे, थ्री एंगल, कौन कौन से एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि आपका कोई भी तीन एंगल की डायग्राम दे दे आपको तो उसमें आपको क्या आप उसको ट्रायंगल बोलो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक बेसिक सी थ्योरम है, बिल्कुल मामूली सी है। वो क्या है कि जो आपका ये एंगल, इस एंगल और इस एंगल को प्लस करेंगे, ठीक है, मान लो क्या मानना क्या है, तो बेसिक बेसिक सी बात है कि एंगल ए प्लस एंगल बी करें के साथ एंगल सी प्लस करेंगे, मतलब तीनों एंगलों का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम हुआ या ज्यादा हुआ तो वो आपकी ट्रायंगल में गिनी नहीं जाएगी वो त्रिभुज, ठीक है, वो डायग्राम, ठीक। तो ये बेसिक सी चीज थी ट्रायंगल के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होगी, राइट। तो ये आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। तो इससे आगे हम क्या करते हैं, इसी को बेस के ऊपर हम टाइप ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो आज की इस वीडियो में बस हम थोड़ा बेसिक से जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो से अपने क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे और कुछ मेन मेन जो पॉइंट आएंगे उसके बारे में उसको भी हम जानकारी करेंगे। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर तीन डायग्राम शो कराऊंगा भाई आपके लिए, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल देखो एक्चुअली क्या है, अपने तीन ही ट्रायंगल होती है ज्यादातर। तो क्या क्या होती है, एक तो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। इसे हम क्या बोलते हैं, समभाव, समभाव। इसका क्या मतलब है, समभाव त्रिभुज, कि आपकी इसमें जो होती है वो तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। तीनों साइड जो होती है वो इक्वल होते हैं, राइट। बस इतनी सी जानकारी रखनी है, ज्यादा आपको जानकारी नहीं रखनी, ठीक है। तो इसमें तीनों साइड अगर इक्वल होंगी तो इसका मतलब तीनों एंगल भी क्या होंगे इसके, तीनों एंगल भी क्या होंगे इसके, इक्वल होंगे, ठीक है। इसके तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि इक्वल होंगे। तो ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के आपके होंगे सारे एंगल, राइट। सेकंड टाइप हमने पढ़ा है इक्विलेटरल हो गया, इसमें हम देख लेते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समद्विभाज, समद्विभाव। भाव का मतलब क्या होता है, साइड, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादातर हम क्या पढ़ेंगे कि इसके दो एंगल, सॉरी, दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है, और इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं, इसके जो अपोजिट साइड होती हैं, सॉरी, अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। और तीसरी टाइप है सिंपल सी स्केलन, स्केलन, ठीक है। तो इसका हम हिंदी में बेसिक सा मतलब समझते हैं कि विषम भाव, विषम भाव। विषम का मतलब सारी की सारी साइड क्या हो, एक दूसरे से अलग, ये आपकी अलग होगी, ये भी अलग होगी, ये भी अलग होगी, तो तीनों साइड क्या होंगी इसमें, अलग होगी, और इसमें तीनों एंगल क्या होंगे वो भी अलग होंगे, राइट। तो बस ये टाइप ऑफ ट्रायंगल थी, लेकिन कुछ टाइप हम
किससे कह देते हैं, एंगल्स, एंगल्स के द्वारा भी टाइप बता देते हैं कि टाइप ऑफ मतलब एंगल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी टाइप होगी ट्रायंगल की। तो आप कह सकते हो कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, एक्यूट एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, राइट। दूसरी आप क्या कह सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है। तीसरी आप क्या कह सकते हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो सकती है, ठीक है, राइट। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम एक्यूट एंगल में समझ लेते हैं कि एक्यूट एंगल किस तरह से होगी, ठीक है। इसमें जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, वो क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए, राइट। कैसे बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या है, इसमें आपका तीनों एंगल जो होते हैं, ये वाला एंगल ए बी सी, ये क्या होंगे, ये तीनों के तीनों आपके 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। जब भी आपको क्या कहलाएगा, ये एक्यूट एंगल कहलाएगा, चाहे 90 से कितना ही कम हो लेकिन 90 नहीं होना चाहिए, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल, एंगल ए या फिर एंगल बी या फिर एंगल सी, कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसमें से कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और हम चेक कर लेते हैं किस तरह से वो डायग्राम बनेगा। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल ए इसको हम मान लेते हैं, एंगल बी इसको मान लेते हैं, एंगल सी इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बी इधर आपका क्या दिखाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी पर 90 डिग्री है, इस तरह से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, एंगल ए भी लिख सकते हो, एंगल सी भी लिख सकते हो, ठीक है। और इससे आगे हम पढ़ते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में भी क्या होगा कि एंगल ए या फिर एंगल बी या फिर एंगल सी क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होगा, ये बड़ा होना चाहिए, राइट। जब भी आपका क्या होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल के, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के रूप में वो फॉर्मेशन बनेगी। तो इसको मैं डायरेक्ट बना देता हूँ यहाँ, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे बनाएगा, ये आपका एंगल ए मान लेते हैं, ये आपका एंगल बी मान लेते हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर हम सी, कोई नहीं आप मान लेना सी नीचे, ठीक है, यहाँ पर सी मान लेते हैं, यहाँ पर ए मान लेते हैं, और ये जो एंगल बी है, यहाँ पर एंगल बी जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी सारी टाइप पता लग गया होगी, राइट, ओके। तो आज की इस वीडियो हमने बिल्कुल बेसिक से ट्रायंगल को देखा है, एंगल्स भी देखे हैं, ट्रायंगल भी देखे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी सारी स्टेप समझ आए होंगे कि किस तरह से हमने क्या किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो जानेंगे वो आपके जो क्वेश्चन पूछते हैं ट्रायंगल के ऊपर, कि आपके कौन कौन से सेंटर होते हैं, किस तरह से क्या रूल लगाए जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टीज, उनको भी जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।